नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं श्रेयोशी। जिस तरह से झारखंड में इन दिनों राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मी तेज है, आपको बता दे कि बीते 10 दिनों से जो चंपाई सोरेन हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था, अब उसमें विराम लग चुका है। जी, आपको बता दे कि 30 अगस्त को चंपाई सोरेन अब बीजेपी में शामिल होंगे, जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि अमित शाह से मुलाकात करने के बाद वो बीजेपी में शामिल होंगे और इसके साथ ही क्या कुछ आगे होगा वो तो अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल मैं आपको अभी जितने भी राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया है वो आपको दिखाना चाहूंगी, देखिए रिपोर्ट। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत है। अब जिस तरीके से उनको अपमानित किया गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा में, उनको मुख्यमंत्री रहते हुए जबरन रिजाइन कराया गया, विधायक दल की बैठक बुलाई ली गई, उनको खबर तक नहीं हुई। मुख्यमंत्री रहते उनको कार्यक्रमों में जाने में और उनको जो सरकारी कार्यक्रम थे उसमें जाने में पाबंदी लगा दी गई थी, तो ये उनके लिए बेहद अपमान का मसला था और उन्होंने अपना रास्ता तय किया है। भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है और हमें लगता है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताबूत में अंतिम कील होगा और ये डूबते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जहाज को जल्दी डुबाएगा, क्योंकि वो कद्दावर नेता थे, कोल्हान में कोल्हान टाइगर के रूप में जाने जाते थे। लेकिन एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि जो परिवार के बाहर का, डायनेस्टी के बाहर का होता है, सोरेन डायनेस्टी के बाहर का नेता, उसको तवज्जो नहीं मिलती है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर खाने में। अब 30 तारीख को वो रांची में भारतीय जनता पार्टी का औपचारिक रूप से दामन थामेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। चंपाई सोरेन एक अनुभवी नेता है और मुझे ये नहीं लगता कि जिस प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा या आदरणीय गुरुजी ने उनके ऊपर भरोसा और विश्वास करके उन्हें राज्य का कमान सौंपने का काम किया, उसके बावजूद अगर उन्हें किसी प्रकार का कोई दिक्कत या तकलीफ थी, मन में बात थी, तो उनको गुरुजी से या आदरणीय हेमंत सोरेन जी से एक बार ज़रूर बात करना चाहिए। चूँकि चंपाई सोरेन को यह पता होना चाहिए कि जो शाखाएं डाल से टूट जाती है वो शाखाएं बिखर जाती है, और इसके कई उदाहरण इस राज्य में हैं। स्वयं गुरुजी की पुत्रवधू सीता सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गईं, उनका क्या हर्ष है आज पूरी राज्य की जनता इस बात को देख रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभी तक चंपाई सोरेन जी ने लिया नहीं, उसके बावजूद 10 दिनों तक उन्हें भाजपा ने दौड़ाया, अमित शाह जी 10 दिनों के बाद उनसे मुलाकात की। देखिए, स्टैंड तो लेना था चंपाई दा को और उन्होंने स्टैंड अपना क्लियर कर दिया है, अब बीजेपी में जा रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है और कुछ बेहतर ही सोच के वो जा रहे होंगे, लेकिन कितना बेहतर हो पाएगा ये समय या भविष्य पर छोड़ दिया जाए। लोकतंत्र में तो जनता जनार्दन होती है, जनता आपके इस कदम की सराहना करेगी या आपके साथ जाना पसंद नहीं करेगी, ये बस एक दो दिन महीने की बात है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि जो कद और पद जेएमएम में उनका था वो कद और पद बीजेपी में शायद ही मिल पाए, क्योंकि वहाँ पहले से बहुत सिरफुट अव्वल है, वो तो पूर्व मुख्यमंत्रियों की पार्टी बन के रह गई है, 4-5 पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, कितने लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, कैसे एडजस्ट किया जाएगा, और बिल्कुल पहले से भी एक संतरा के समान मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, छिलका हटाइए तो फाँक फाँक अलग, तो एक उसमें एक धुरी अब चंपाई दा भी बन जाएंगे। चंपाई दा को कितना मान सम्मान मिलता है वहाँ, ये देखने की बात है। मुझे उम्मीद नहीं है कि पार्टी ने जो कुछ दिया, सबसे ऊंचा ओहदा जो होता है एक क्षेत्रीय दल में मुख्यमंत्री का, वहाँ तक पहुँचाने का काम पार्टी ने किया था। सर, पार्टी में चंपेदा को आप बता रहे हैं कि मान सम्मान दिया जाता था, दूसरी तरफ चंपेदा कहते हैं कि मुझे जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, क्या कहेंगे? उनका पोस्ट भी जो आया था उसमें काफी कुछ उन्होंने, देखिए उनकी भावनाएं आहत हुई होंगी, मैं बिल्कुल से उसे खारिज नहीं करूंगा, लेकिन मान लीजिए किसी बात पर आपको कुछ तकलीफ लगी, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची, तो उन बातों को लेकर आप पार्टी अध्यक्ष या पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के पास आप जा सकते थे, उनसे बातें कर सकते थे। आप बहुत बड़ा कद के नेता थे हमारी पार्टी में, आपका कोई कम्युनिकेशन गैप मैं नहीं मानता हूँ कि होगा, अगर आप चाहते तो बातें हो सकती थी और उन छोटी छोटी बातों का निराकरण हो सकता था।
जिस पार्टी ने आपको मुख्यमंत्री तक का पद दे दिया, वहाँ ये सब छोटी बातों को लेकर अगर आप पार्टी से किनारा करते हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है। बहरहाल 30 अगस्त को चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे और इसके साथ ही आगे बीजेपी में क्या कुछ बदलाव आते हैं ये तो अब देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें सत्ता पक्षों की, अभी जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है, उन पर क्या कुछ असर पड़ता है ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव।